रतहरा तारा पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ नहीं था, नगर निगम को हैंडओवर नहीं हुआ था, क्योंकि लोकसभा चुनाव था। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरा श्रेय लेने के चक्कर में यहाँ के मंत्री जी अधूरे कार्य का लोकार्पण किए और आज उसकी स्थिति आप देख रहे हैं कि अधिकारी सब बने बराती, सब सरपंच घराती, पंच बिचारे जान न पाइन कभी विदा बराती, लेन देन रातिर में होइगा आ होइगे विदा बराती, बर कन्या बिन सुनो भैया हम नहीं दिखन बराती। ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जितने भी कार्य हो रहे हैं सब दिखावटी हो रहे हैं। पूरे मोहल्ले का गंदा पानी तालाब में आ रहा है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ की जो लाइटें लगी थी पूरे टूट गई, इसकी व्यवस्था जब तक नहीं होगी तो तालाब का कोई महत्व नहीं होगा। पैसे कमाने की होड़ इन नेताओं में लगी हुई है। यहाँ के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ये सब ठेकेदारी में व्यस्त हैं। प्रशासन शासन द्वारा किसी प्रकार की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। दुकान ना खुलने का रीजन हमने यहाँ भी पता किया, जो बाहर ठेला लगाए तो उन्होंने कहा कि दुकान का रेट बड़ा महंगा है, 30-30 लाख रुपए पगड़ी है, 20-20-30-30 हज़ार रुपए महीने का किराया है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा विगत 15-20 वर्षों से देख ही रहे हैं, रीवा में पहले एक तो तालाब क्या कुछ नहीं था, जब से रानी तालाब का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया उसके बाद से आज रीवा की दिशा और दशा सब बदल गई है। 20 वर्षों से हमारा रीवा मेडिकल नशे की आगोश में चला गया, इसलिए कि आपको बता रहे हैं कि यहाँ के जितने भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो धंधे में लगे हुए हैं, ये नस्ल और फसल दोनों को बर्बाद कर रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे। हमारे रीवा सतना ही बाहर से लोग आए घूमने, हम भी बस ना जाए भोपाल इंदौर। 3 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर में बना रतहरा तालाब जो रीवा शहर की सुंदरता में 4 चांद लगा रहा है। रतहरा तालाब रीवा के साथ साथ पूरे विंध्य के लिए एक बड़ी सौगात है। रतहरा तालाब का सौंदर्यीकरण कर मार्च महीने में आम जनता को सौंप दिया गया था। शहर के दूर होने के कारण रतहरा तालाब लोगों को खूब पसंद आया। यहाँ लोगों का दिन भर तांता लगा रहता है, मॉर्निंग वॉक से लेकर रात तक घूमने वाले लोग यहाँ डटे रहते हैं। लेकिन अब इस तालाब पर संकट मंडराने लगा है। रतहरा तालाब में पानी की भारी कमी हो गई है, तालाब का कुछ हिस्सा सूख भी चुका है। पानी की कमी होने की वजह से तालाब में पल रहे जलीय जीव जंतु का जीवन भी संकट में आ गया है, साथ ही आसपास प्रदूषण भी फैल रहा है जिससे यहाँ आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है रतहरा तालाब के आसपास गंदे पानी की कोई निकासी नहीं है, पूरे इलाके का गंदा पानी तालाब में ही आकर मिल जाता है। इतना ही नहीं, वहाँ घूमने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ घूमने फिरने वालों के अलावा नशेड़ियों का अड्डा भी बन चुका है। यहाँ नशेड़ी बैठकर नशा करते हैं और उससे निकलने वाला कचरा जैसे कप सिरप और शराब की बोतलें तालाब में फेंक दी जाती हैं। इस कारण तालाब का पानी और भी अधिक दूषित हो रहा है। कौन सी ड्रिंकिंग चलती है? दारू चलती है, कोरेक्स चलती है, गांजा चलता है, भांग चलती है, अफीम चलती है। तो क्या रतहरा तालाब में भी इस तरीके के लोग आते हैं? और बिल्कुल यहाँ तो हर तरह के आते हैं। यहाँ तो इसीलिए यही तो बनाया गया है कि खाने पीने की जगह हर चीज़ उपलब्ध हो। कोई रोकने टोकने वाला? कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ना कोई सेफ्टी है, ना कोई रोकने टोकने वाला है। यहाँ मतलब थोड़ी गंदगी रहती है, मतलब यहाँ खाते पीते हैं तो बाटल वोटल इधर उधर फेंकते हैं, तो ये सब चीज़ ना होना चाहिए। सब आते हैं सुबह शाम टहलने के लिए, बहुत अच्छा बना है, मतलब रतहरा वासियों के लिए अच्छा, सब बढ़िया है। कभी कभी कहा है बाइक वाले भी घुस जाते हैं अंदर, तो नहीं घुसना चाहिए, मतलब यहाँ वो होता है, लोग चलते हैं डिस्टर्ब होता है, बच्चे भी आते हैं सब खेलने के लिए, सब कुछ करने के लिए। हम नशेड़ियों को उसी व्यवस्था करना चाहिए, नशेड़ियों को जो यहाँ व्यवस्थापक है उनकी उनको व्यवस्था करना चाहिए यहाँ की नशेड़ियों पत्तियों के क्या करते हैं यहाँ पर आकर के। भाई हम लोग तो घूमने फिरने आते हैं, यही तो कोई असुविधा होती हो कई बार? अरे असुविधा तो होती है, लोग पीते रहते हैं, खड़े होकर बैठे के पीते रहते हैं, तो सुविधा होती रहती है, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं उसके लिए। अपन किनारे से निकल गए, भाई वो गार्ड हो और चेक करे कि भाई नशा पत्ती वाले जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बोतल शीशी वो तो दिखेगी दिखेगी हैं। लोगों को लेके जाना चाहिए और गार्ड को रखना चाहिए यहाँ पर, वो व्यवस्था करना चाहिए, या तो यहाँ के व्यवस्थापक की ये बातें हैं। शाम को हर दिन यहाँ टहलने आता हूँ, नाले का पानी जो है ये तालाब में आए दिन आता जा रहा है, जबकि इस पर स्वच्छ पानी का
नहर से नहर को छोड़ा जाए, स्वच्छ पानी इस पे छोड़ा जाए, इसकी उम्मीद करता हूँ मैं सरकार से। सरकार की लापरवाही, यहाँ थोड़ा सख्त कार्रवाई की जाए, यहाँ गार्ड बैठाए जाए, गेट पे देखा जाए कि जो ये सब प्रक्रिया कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो उससे क्या चीज़ें रुक जाएंगी? उससे भारत भी अपना एक तरीके से युवाओं को अच्छा नशा मुक्त हो जाएगा, और दूसरी बात युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सही रास्ते में चलेंगे वो। तो गार्ड बैठने से क्या नशा अंदर पहुंचना बंद होगा? जरूर होगा, अगर चेकिंग करें तो जरूर हो सकता है। ये पूरी बात बोल दीजिए आप जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो व्यवस्था है तो अभी कड़ी नहीं की है, क्योंकि यहाँ आए दिन मारपीट होती है, यहाँ लड़के आते हैं मैं देखा हूँ अभी, तो यहाँ कम से कम नहीं तो कुछ गार्ड होने चाहिए, यहाँ इस पार्क के लिए रखना ज़रूरी है। आए दिन लड़कों के साथ मारपीट होती है, बाहर से बाउंड्री, वो जो बाउंड्री दिख रही है आपको, वहाँ से तड़क तड़क के लड़के आते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। और पानी यहाँ का तालाब को देखिए सूखा जा रहा है, तो इनकी व्यवस्थाएँ करना चाहिए, नहीं तो ये इसका सब खत्म हो जाएगा। सो जो पार्क है रतहला तालाब तो हमारे हिसाब से देखिए बहुत अच्छा है, बस थोड़ा यही है कि गर्मी के कारण यहाँ का तालाब सूख गया है, और थोड़ी साफ़ सफाई पानी की सब व्यवस्था अच्छी, बस दुकान अभी यहाँ की नहीं खुली है, ना नाव चल रही है, बस इतनी कमी है, बाकी बहुत अच्छा है। दुकान ना खुलने का रीज़न हमने यहाँ अभी पता किया, जो बाहर ठेला लगाए तो उन्होंने कहा कि दुकान का रेट बड़ा महंगा है, 30-30 लाख रुपये पगड़ी है, 20-20-30-30 हज़ार रुपये महीने का किराया है। तो यहाँ के भी मैं शुक्ला जी से यही कहूँगा थोड़ा किराया कम करें, तो अंदर की दुकानें खुल जाएँ तो और अच्छा लगे देखने में घूमने में। हमारे यहाँ से हमारे रीवा सतना ही बाहर से लोग आए घूमने, हम भी बस ना जाएँ भोपाल इंदौर, भोपाल इंदौर वाले भी कभी हमारे सतना रीवा में आए घूमने के लिए, वो भी कहें कि हाँ सतना रीवा है घूमने लायक। तालाब की सुंदरता के लिए तरह तरह की आकर्षक लाइटों को लगाया गया था, लेकिन अब उनका कोई अता पता ही नहीं रहा। तालाब के चारों ओर स्ट्रीट लाइटें लगी थी जो बंद रहती हैं, क्योंकि उन लाइटों का पोल ही तोड़ दिया गया है। लोगों का कहना है कि कुछ पोल तो हवा आंधी में टूट गए और कुछ को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तालाब के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। कोई रोक टोक ना होने की वजह से सोशल मीडिया पर रील बनाने के शौकीन लोग यहां तरह तरह की स्टंटबाजी भी करते दिखाई देते हैं। रीवा शहर महानगर की तर्ज पर सिर्फ कागजों में चल रहा, जो बजट आता है सरकार से वो सिर्फ क्या है, उस बजट को एक मास्टर प्लान बनाकर और रीवा शहर में उसको धरातल पर उतारना चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ कागजों में महानगर बन रहा है। जैसे रोड बन रही है, रोड बना दिए, फिर पाइपलाइन डाले, फिर तोड़े रोड को, फिर सीवर लाइन डालना है, फिर तोड़े, यही चल रहा है। रीवा के लिए रतहरा तालाब सौगात के रूप में मिला, ऐसी क्या जल्दी थी कि आधा बना हुआ या बिना पूरा काम हुए ही इसको जनता के लिए खोल दिया गया? यहाँ के नेताओं में एक होड़ सी मची हुई है कि इस काम को श्रेय पूरा हमको मिले। ये रतहरा तालाब पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ नहीं था, नगर निगम को हैंडओवर नहीं हुआ था, क्योंकि लोकसभा चुनाव था, लोकसभा के चुनाव को देखते हुए पूरा श्रेय लेने के चक्कर में यहाँ के मंत्री जी अधूरे कार्य का लोकार्पण किए, और आज उसकी स्थिति आप देख रहे हैं, पूरे फब्बारे उतान पड़े हुए हैं, तालाब सूख रहा है, पूरे मोहल्ले का गंदा पानी तालाब में आ रहा है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। जबकि मैं शुरू में आवाज़ उठाया था कि इस जो पूरे मोहल्ले का पानी तालाब में जाएगा उसको एक नाली के माध्यम से मेन रोड के नाले तक पहुँचा दिया जाए, तो ये जो गंदा पानी तालाब में आता है तो ये नहीं आएगा। आप देख रहे हैं चारों तरफ यहाँ की जो लाइटें लगी थी पूरे टूट गई, और गाजर घास तो आप देख ही रहे हैं पूरे तालाब में, पूरे पेड़ तैयार नहीं हो पाए। आप उदाहरण के तौर पर ये हाईवे का डिवाइडर है, अभी गर्मी में पेड़ लगाए 15 दिन में सूख गए, यही महानगर बन रहा है रीवा। आप जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ पूर्व पार्षद भी रहे हैं, और ये सौगात आपके वार्ड को ही मिली है, आप जनता की तरफ से क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से कहना चाहूँगा कि ये इतनी बड़ी सौगात हमारे बाढ़ वासियों को मिली है, तो इसकी सुरक्षा के लिए, इसके सुरक्षा को देखते हुए, इसके सुंदरता को बनाए रखने के लिए इसमें सभी इंतजाम, जैसे आप 2-4 माली लगाना पड़ेगा, यहाँ पेड़ पौधा तैयार करने के लिए सफाई कर्मी लगाना पड़ेगा, यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स बना है, दुकानें बनी, इनकी देख रेख के लिए अभी तो टेंडर हुआ है, हो सकता है अगले महीने में उनको हैंड ओवर हो जाए ठेकेदार को, तो इसकी व्यवस्था के लिए पूरे ये व्यवस्था करना पड़ेगा, सुंदरता को बनाए रखने के लिए लोगों को, ताकि आकर्षित हो, लोग घूमने आए यहाँ अपना टाइम पास करें, तो इसकी व्यवस्था जब तक नहीं होगी तो तालाब का कोई महत्व नहीं होगा। यदि देखी जाए तो हर तरफ असुविधा ही असुविधा है, सबसे बड़ी समस्या तालाब में पानी होना चाहिए,
ना तो तालाब में पानी है, फब्बारों की हालत आप देख रहे हैं कि सीधे खड़े थे अब पूरा पश्चिम को फिर गए हैं। गाजर घास बहुत कम मात्रा में थी, जब पहले हमारे पार्षद महोदय ने आवाज़ उठाई कोई सुनने वाला नहीं था। मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ कि अधिकारी सब बने बराती और सब सरपंच घराती, अब पंच बिचारे जान न पाइन कभी विदा बराती, लेन देन रातिन में होइगा आ होइगे विदा बराती, बर कन्या बिन सुनो भैया हम नहीं दिखन बराती। ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जितने भी कार्य हो रहे हैं सब दिखावटी हो रहे हैं, इससे जनता को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ पैसे कमाने की होड़ इन नेताओं में लगी हुई है। यहाँ के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ये सब ठेकेदारी में व्यस्त हैं। ये ठेकेदारी के नाम पर चाहे जितने भी सौंदर्यीकरण कराएं लेकिन धरातल में इनका कोई भी काम जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। न कहीं रोड है, न कहीं नाली है, चारों तरफ गंदगी का आलम है, स्वच्छता में नंबर एक दिखा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ये करने वाले क्या है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य देश का है कि मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाली ये पार्टी ये वैक्सीन के नाम पर न जाने कितने करोड़ लोगों के साथ गलत की, इसलिए इस पार्टी का तो नाम लेना ही बेकार है। और ये जहाँ जहाँ काम करते हैं सिर्फ दिखावटी काम करते हैं। पार्टी लाइन के इतर अगर हम रतहरा तालाब की बात करें, लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो शाम के वक्त कैसा माहौल रहता है यहाँ? यहाँ के स्थानीय लोग वार्ड 15 के बहुत अच्छे लोग हैं, तो किसी प्रकार की अराजकता नहीं होती है। बाकी प्रशासन शासन द्वारा किसी प्रकार की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, जबकि इतने लोग यहाँ आते हैं कि यदि आप देखें तो कम से कम 4,000-5,000 लोगों की भीड़ आती है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर व्यवस्था के नाम पर कोई भी व्यवस्था यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हम अभी यहाँ पर चारों तरफ टहल रहे थे तो हमने देखा और पाया कि कई सारी कोरेक्स की शीशियाँ हैं, शराब के खाली बोतलें पड़ी हुई हैं, ग्लास पाउच ये सब यहाँ पर पड़ा हुआ है। आज 20 वर्षों से हमारा रीवा मेडिकल नशे की आगोश में चला गया, इसलिए कि आपको बता रहे हैं कि यहाँ के जितने भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो धंधे में लगे हुए हैं, ये नस्ल और फसल दोनों को बर्बाद कर रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे। तालाब को बने 3 महीने भी नहीं हुए लेकिन उसकी हालत देख ऐसा लगता है मानो इस तालाब का सौंदर्यीकरण हुए सालों हो चुके हैं। आम जनता का कहना है कि इन सब का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि शहर के ही लोग हैं। तालाब की सुरक्षा व्यवस्था के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं जिसके कारण करोड़ों रुपयों की लागत से बने इस तालाब की सुंदरता में पानी फिर रहा है। नगर निगम प्रशासन ना तो यहाँ सफाई की व्यवस्था पर कोई ध्यान दे रहा है और ना ही इसके बचाव के लिए कोई उपाय सोच रहा है। आम पब्लिक का कहना है कि तालाब के रख रखाव के लिए रानी तालाब की तर्ज में टेंडर किया गया है लेकिन आचार संहिता के चलते वह खुला नहीं और अब धीरे धीरे तालाब में इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। उसको नहर से पानी आता था, नहर में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, 8 से 10 दिन लगेंगे, 8-10 दिन बाद नहर से पानी छोड़ा जाएगा और 1 हफ्ते उसको भरने में लगेगा तो उसके बाद पर्याप्त पानी इसमें तालाब में आ जाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले इसको जनता के लिए हैंडओवर कर दिया गया, ये बड़ी सौगात भी है। कई सारी लाइटें भी टूटी हुई हैं, पेड़ भी सूख रहे हैं, उनको लेकर क्या इंतजाम होने वाला है? इसका टेंडर हो गया है, किसी पार्टी ने टेंडर भी डाल दिया है और आचार संहिता के कारण उसको हम लोग हैंडओवर नहीं कर पा रहे। जैसे आचार संहिता ख़त्म होगी उसको जो व्यक्ति इसकी न्यूदा डाला है जिनको मिला है उनको हैंडओवर कर देंगे और इसका पूरा सुचारू रूप से इसकी व्यवस्था होगी। जो भी लाइटें टूट गई हैं उसके पहले हम ठेकेदार को सब पुराना एकदम सब मेंटेन करके उसके बाद ठेकेदार को हैंडओवर करेंगे। उसके बाद जो ठेकेदार हैं वो उनकी व्यवस्था रहेगी कि उसको पूरा मेंटेनेंस करना, ये सब ये ठेकेदार का काम रहेगा। मोहल्ले के रहने वालों कुछ लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर मुर्गी पालन केंद्र होने की वजह से काफ़ी बदबू आती है। हाँ, ये भी एक आई है बात, अब उस पर देखना है प्राइवेट लैंड है क्या कैसा है, उस पर भी बात चल रही है, आयुक्त के नज़र में है ये बातें, इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि उनको और कहीं शिफ्ट कर दिया जाए जिससे कि मोहल्ले के लोगों को परेशानी ना हो। कि नाले का पानी भी इस रतहरे तालाब में बड़ी मात्रा में आ रहा है। एक तो उसका प्लान चल रहा है, उसको दूसरे नाले में जोड़ने का भी चल रहा है और एक हम लोगों ने प्लान किया, अभी दिल्ली से एक कंपनी को बुलाया था हमने जो कि एक एसटीपी बनाएगी और करीब उसका 25-30 लाख रुपए खर्चा है उसमें और वो सोलर से चलेगा, तो जो भी नाले का पानी है गंदा पानी वो हम बढ़िया स्वच्छ पानी
तालाब में डाल सकेंगे हम। इसके अगर एसटीपी हम लगा लिए तो हम नहर से भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, नाले के पानी को हम स्वच्छ करके और इस तालाब में भर लेंगे। अच्छा, एक बड़ी चीज़ ये भी है कि रीवा की जनता जानना चाहती है कि क्या अभी जो फ्री में ये सुविधा मिल रही है यहाँ पर टहलने के लिए, भविष्य में भी ये फ्री में ही मिलता रहेगा या रीवा की जनता को इसके लिए कुछ चार्ज करना होगा? इसका जो टेंडर हुआ उसमें कुछ शर्तें हैं। सुबह जो मॉर्निंग वॉक में लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग, माताएं, बहनें आती हैं, महिलाएं, उनके लिए शाम को उस समय फिक्स कर दिया गया है। उस समय एक भी पैसा नहीं लगेगा घूमने के समय पे। पार्किंग शुल्क सुनने में आ रहा था कि उन्हें देना पड़ेगा अगर वो अपनी रीवा की दूर से कोई जनता आती है और अपनी गाड़ी खड़ी। हाँ, पार्किंग के लिए तो पार्किंग का तो ठेका होगा। पार्किंग के किसी की गाड़ी खड़ी है तो उसकी हम जवाबदारी नहीं ले सकते, कहीं चोरी हो गई, कुछ हो गई तो उसके लिए तो जिनको गाड़ी, इसलिए पार्किंग का करेंगे, नॉमिनल शुल्क रहेगा, इससे उनकी गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी और अपना वो बढ़िया पार्क घूम सकेंगे। बाकी रीवा का विकास माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा विगत 15-20 वर्षों से देख ही रहे हैं। रीवा में पहले एक तो तालाब क्या कुछ नहीं था, जब से रानी तालाब का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया उसके बाद से आज रीवा की दिशा और दशा सब बदल गई है। रीवा एक साफ सुथरे शहर के रूप में भी पहचाना जाने लगा है, लेकिन एक छवि इसकी और बनती जा रही है, इसे लोग कोरिक सिटी के नाम से भी बुलाने लगे हैं। इस पे प्रशासन से भी बात हुई है, प्रशासन लगा भी, अब समाचार पत्रों में भी रोज़ देख रहे होंगे, कहीं 50 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 20 लाख की रोज़ कोरेक्स पकड़ी जा रही, तो पुलिस प्रशासन एक्टिव है। एक दिन अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने मेरे सामने पुलिस अधीक्षक जी से बात की थी, उनका यही कहना था कि लाइन ऑर्डर और नशा इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है और उस पर प्रयास भी जारी है।